बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, जिस पर हाल ही में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री उमा भारती ने सफाई दी थी। राजनाथ सिंह और उमा भारती के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा है, पार्टी मुस्लिमों को भी टिकट देती तो अच्छा होता। नकवी ने कहा कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और पार्टी की राज्य में सरकार बनने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसकी भरपाई की जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर हम उनकी परेशानियों को दूर करेंगे और उन्हें इसकी भरपाई की जाएगी। हालांकि वो ये नहीं बता सके कि पार्टी इस समस्या से कैसे निपटेगी। नकवी ने कहा कि बीजेपी के मुस्लिमों को टिकट न देने के आधार पर केंद्र सरकार के कामकाज को नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में भरोसा रखती है। हमने सभी के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाई है, हम राज्य में भी सरकार बनाएंगे। गौरतलब है कि यूपी में बीजेपी सपा कांग्रेस के गठबंधन और बसपा के साथ त्रिकोणीय मुकाबला लड़ रही है। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे।